में अराइवल होगी तब वायदा इतना ऊंचा क्यों है? आज मीडिया को जबकि आज की तारीख में पूरे इंडिया में 10,000 बेस के अराइवल नहीं है, इसका मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा किया है। एसटीडीएल जो कि गार्जियन के तौर पर काम करता है उसको ये चीजें देखना चाहिए कि भैया किसी भी अपने ग्राहक का हेल्प नहीं होता। 100 से 150 करोड़ रुपए कॉटन सीट का काम है एसटीडीएक्स में, फिर भी ये अपनी अपनी जिम्मेदारियों से दूर हटते हुए इन्होंने अपने व्यापारियों का हित ध्यान में रखा। ठीक है, वायदा कारोबारी 0.1% वायदा करते हैं, बाकी व्यापार ज्यादातर व्यापार हाजिर का होता है। एक छोटा सा 50 बोरी खाली रहने वाला भी जब सुबह वायदा देखता है उसको लगता है कि वायदे में तेजिए तो माल नीचे बैठ जाता है, और जब लगता है कि वायदा मरता है तो उसके अंदर दिक्कत आती है। आज अभी 2-3 दिन पहले अंजर मंडी में कपास 2800 रुपए बिक रहा था, क्यों बिका? क्योंकि है ना कोई लेवाल नहीं है, खाली का लेवाल नहीं, कपास का लेवाल नहीं, हर आदमी चुप बैठ गया। तो नेचुरली इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, काफी पुलिस बुलाई, सब कोई जाके कपास बिका। तो माहौल ऐसा बना दिया जाए कि खाली में कपास में कोई लेवाल नहीं, जबकि बाजार में शॉर्टेज है, आपका जो ये प्राइस का तर्क है ये तो हमें समझ में आया, लेकिन बाजार में किस तरह का डिमांड फिलहाल है, किस तरह की हाजिर मांग है और आगे किस तरह का रुझान आप देखते हैं, अगर आप हमें फंडामेंटल्स भी बता सके। डिमांड तो बहुत अच्छी बनी हुई है, बस मैंने आपको क्या बताया कि जैसे अगर 50 बोरी खरीद लेने वाला भी होता है ना उसको अगर वायदा ढीला दिखता है तो चुपचाप बैठ जाता है, बोला 5 बोरी का काम है। अपना जो वायदा होता है वो एक सेंटीमेंट है, जब अपन वायदे को देखते हैं तो वायदा बेरोमीटर है, वायदे वो हर मिनट पे पल पल पे तेजी मची होती है, मालूम पड़ता है बाजार तेज रहेगा। अभी अगस्त सितंबर एक शॉर्टेज का पीरियड रहता है, खरीद में बिल्कुल शॉर्टेज बनी हुई है, फसल भी बिल्कुल मिल नहीं रहा है, फिर भी इन्होंने बाजार को ऐसा माहौल बना दिया तो जिससे कि है ना हर आदमी में घबराहट पैदा कर दी, उसके कारण बाजार को ढीला करना पड़ा। सुधीर जी, अगर घबराहट हो गई तो हर आदमी को लगता है कि मैं को नुकसान से बचाऊं। आज पूरे इंडिया में इसकी बारिश हो रही है, बारिश के कारण कपास नया कपास आ रहा है, किंतु इसका ढीला आ रहा है कि कोई लेवाल नहीं है उसका, पुराने कपासों में डिमांड बहुत ज्यादा है। ओके, इसके कारण पर इन्होंने माहौल ऐसा बना दिया, आज टोटल व्यापार एनसीडीएक्स के आधार पर ही चलता है। एब्सोल्युटली सुधीर जी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि एनसीडीएक्स पे जो प्राइसेस है वो रेफरेंस पॉइंट से है, लोग सुबह उठ के सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद अपना डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना है। आप हेज करते हैं, आप एक्सचेंज के साथ यहाँ पर काम करते हैं? मैं सिर्फ वायदा देखता हूँ, मैं व्यापार नहीं करता। और आपने एक्सचेंज को अपनी ये दिक्कतें बताई हैं? हाँ, एक्सचेंज तो मैंने कल जब मेरे को वायदा बंद हुआ था उसके बाद मैंने जितने भी अधिकारी रहते हैं उनको सभी को बताया ना इन चीजों की, आपने वायदा बंद कर दिया है जो 28 से 16 रुपए है, जबकि दिसंबर वायदा जब मेरा आपको बताया 2 लाख गैस की अराइवल रहेगी उस समय, और उसके अंदर